नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका संघ के आह्वान पर नवादा जिले की तमाम आंगनबाड़ी सेविकाएं हड़ताल पर चली गई हैं और यह सामूहिक हड़ताल बीता कल यानी कि 29 सितंबर से ही शुरू हुआ है, जो कि आज दूसरे दिन भी जारी रहा। आलम यह है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ने वाले बच्चे, स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण करने वाले या प्राप्त करने वाले बच्चे घर में बैठे हैं, और जो आलम है उसमें यह है कि पूरी तरह से आंगनबाड़ी केंद्र ठप है सामूहिक हड़ताल के कारण, और जो भी सेविका सहायिकाएं हैं ये सभी लोग का मीटिंग सिटिंग और ये कहिए कि धरना प्रदर्शन चालू है कल से ही। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बिहार भर के आंगनबाड़ी सेविकाओं की या नवादा के आंगनबाड़ी सेविकाओं की बात है, बल्कि पूरे देशव्यापी ये कार्यक्रम है और अखिल भारतीय आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के द्वारा ही आंदोलन का आह्वान किया गया था और सामूहिक हड़ताल पर सभी गए हैं। सभी का डिमांड केंद्र और राज्य सरकार से है, और स्थिति ये है कि नवादा क्या है, सिदला का ब्लॉक क्या है या अन्य ब्लॉक क्या है, देश की राजधानी दिल्ली में भी जंतर मंतर वगैरह पे जो है सो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका लोग जुटी और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज़ बुलंद की, जैसा कि सोशल मीडिया वगैरह पर ये खबरें आ भी रही है। तो इन लोगों की मांग क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर देना चाहते हैं। मांग इन लोगों की ये है कि मानदेय महंगाई के हिसाब से काफ़ी कम है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो बिहार में करीब 5900 रुपये यानी करीब 6000 रुपये आंगनबाड़ी सेविका को मिलता है, वही करीब आधे यानी करीब 3000 रुपये सहायिका को मिलता है, जो कि एक दैनिक मजदूर से भी कम है इन लोगों का मानदेय। और ऐसे में आम तौर पर लोगों का मानना है या जो भी जिन भी संगठन के द्वारा या आह्वान पर या मदद से यह जो हड़ताल चल रहा है सामूहिक हड़ताल, उसके उन लोगों का ये कहना है कि जो पारिश्रमिक है या मानदेय है वो काफ़ी कम है। ऐसे में इन लोगों का मानदेय जो आज के दौर में महंगाई के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी होनी ही चाहिए। तो क्या डिमांड है इन लोगों का, डिमांड मुख्य रूप से वही है कि मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, और दूसरा ये है कि राजकर्मी का दर्जा दिया जाए या सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। जो भी अभी तक आंगनबाड़ी सेविकाओं को सरकारी कर्मी घोषित नहीं किया गया है, राजकर्मी का दर्जा नहीं है, इन लोगों को अभी तक जो है सोशल वर्कर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन लोगों से काम लिया जा रहा है, जबकि इन लोगों का कहना है कि सरकार की कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिस कार्यक्रम में हम लोग की भागीदारी नहीं होती है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला हो, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ मसला हो, सारे कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं जो है सो आंगनबाड़ी सेविकाएं, इवन की अब तो निर्वाचन के कार्यों में बीएलओ के काम में भी आंगनबाड़ी सेविकाएं बड़े पैमाने पर लगी हुई हैं। तो इस स्थिति में आंगनबाड़ी सेविकाओं के हड़ताल पर जाने से काफ़ी परेशानी हो रही है। जैसा कि आपको जानकारी कि फाइलेरिया उन्मूलन के लिए एक अभियान चल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं को दवा खिलाने के अभियान में लगाया गया है। अब ये सब काम भी कहीं ना कहीं प्रभावित होना है या प्रभावित होना तय है अगर ये आंदोलन आगे लंबा खींचा तो। हड़ताल का आज दूसरा दिन बीत गया है और ऐसे में जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशानी में हैं। नवादा जिले की अगर बात करें तो करीब 2500 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब 75 से 80 हज़ार बच्चे मिनिमम लाभ से वंचित हो रहे हैं। शिक्षा तो नहीं मिल रहा है, इस शिक्षा के अलावा जो है उनका पोषाहार वगैरह जो मिलता है वो भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल इस मामले में अभी जो स्थिति है उसमें जो जानकारी मिली है कि सरकार या सरकार के पदाधिकारियों और ये हड़ताली कर्मचारी जो हैं, ये हड़ताली सेवका सहायिका उनके जो प्रतिनिधि, इन लोगों के बीच बातचीत का दौर भी संभवतः शुरू हुआ है, पत्राचार वगैरह हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले एक दो दिनों में कुछ निर्णय हो पाएगा, और अगर वार्ता विफल रहती है या वार्ता सकारात्मक नतीजे पर नहीं पहुँचती है तो स्थिति विकराल हो सकती है और काफ़ी परेशानी में वो बच्चे और वो महिलाएं, गर्भवती या और ये जो प्रसूति महिलाएं हैं जिनको भी राशन वगैरह मिलता है THR वगैरह, वो सब भी परेशानी में पड़ सकती हैं। तो फिलहाल स्थिति यही है कि जो हड़ताली जो सेविका सहायिका हैं उनके प्रतिनिधिमंडल के द्वारा ये डिमांड किया गया है बिहार सरकार से कि आप कम से कम 10000 रुपये अपने स्तर से जो अभी दे रहे हैं उसके अतिरिक्त बढ़ाइए, अब बाकी भारत सरकार के से डिमांड हम लोग का जारी रहेगा। तो क्या होता है आने वाले दिनों में, इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी, पल पल की खबर हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।